रोहित मोबाइल मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। दमोह जिले के देवरान गांव में हुए ट्रिपल मर्डर कांड के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दमोह पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से बात की तो महिलाएं उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए फफक कर रोने लगीं, जिस पर भीम आर्मी प्रमुख बोले कि चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देवरान गांव में हुई घटना काफी दुखद है। एक ही परिवार के 3 लोगों का मर्डर किया गया, दलितों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जा रही है। साथ ही शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बोले कि पुलिस और प्रशासन का संरक्षण होने से ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने स्थानीय नेताओं और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। बोले कि आरोपियों के मकान तो गिरा दिए गए, लेकिन अभी आरोपियों के मुख्य मकान को नहीं गिराया। इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि वो इन परिवारों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय भी दिलाएंगे। देवराना का जो मामला हुआ है, आजाद भारत में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और जो बाकी बचते हैं उनको प्लान करना पड़ता, भाग के जान बचानी पड़ती है उन परिवारों से मिलने। और अभी जो बरवासा का नया मामला हुआ है, कल जो गोली चली और जो बताया जा रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है सुन के। यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, SSP और DM को डूब के मर जाना चाहिए। वो बता रहे हैं गांव में कोई बहन बेटी ऐसी नहीं जिसके साथ बदतमीजी या छेड़छाड़ नहीं करते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उनकी थाने में ले जा खातिरदारी करती है, जो रिपोर्ट लिखवाया जाता है उनको पकड़ के पीटती है, उनको जेल भेज देती है। ये जो अन्याय हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में डरावना है। मैं इसलिए यहाँ आया इनके आंसू पूछने, उस न्याय की आवाज़ को बुलंद करने कि हाई कोर्ट में जरूरत पड़े या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से भी जो इनके साथ अन्याय और अन्याय की लड़ाई को रोक, अब जो है ना हम लोग लड़ेंगे मजबूती से। और हमारे सारे कार्यकर्ता, पूरा परिवार इनके साथ है। और जो घटनाएं मैंने बताई, इतनी सारी घटनाएं पिछले 1 महीने में 20 से ज़्यादा घटनाएं यहाँ हुई है, और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी चैन से पड़े सो रहे हैं। और यहाँ कानून व्यवस्था फेल हो गई है। कानून व्यवस्था जो है वो ताकतवर लोगों के, सरकार के चौकटों पर दम तोड़ चुकी है। कोई कानून व्यवस्था नहीं और लोग मरने को मर रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने जो 7 आरोपी थे उन सभी को पकड़ लिया और पिछले 3 दिन में उनने सारा काम कर लिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या उन 3 लोगों को वापस लौटा सकता है प्रशासन? और अभी तो देखना पड़ेगा ना, मैं आया हूँ किन धाराओं में पकड़ा है, चार्जशीट कौन लगा रहा है, क्या एविडेंस कलेक्ट करिए। मैं तो वकील भी हूँ ना। आरोपी 16 आरोपी थे, कितने पकड़ लिए आप बताओ मीडिया के साथी हमें। तो मैं अभी मैं समझता हूँ ना, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मैं तो वकील भी हूँ ना, तो क्या इससे न्याय मिल गया है उनके पकड़ने से? अभी तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, मुकदमे की पैरवी कैसे होगी, पुलिस ने क्या एविडेंस इकट्ठा किए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, वो उनको जमानतों के लिए कितने हैं, उनका रास्ता आसान तो नहीं हो गया, सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। चार्जशीट कब लग रही है सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। कितने समय तक दमोह प्रवास पर रहेंगे आप? आज तो मैं दमोह हूँ और मेरा प्रयास है चाहे 4 दिन लग जाएं, जब तक ये न्याय की लड़ाई मजबूत नहीं होती। और ये जो परिवार मेरे सामने खड़ा है, आंसू बहारी मेरी माएँ बहनें, कल ही जो गोली चली है बरवासा में, उसका जवाब कौन देगा? कप्तान और SSP बताएं, वो DM बताएं मुझे, और मुख्यमंत्री बताएं कि अगर आप पे सरकार ये कुर्सी नहीं संभल रही, जनता को आप न्याय नहीं दिला पा रहे, सुरक्षा का माहौल दे, फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो? तो ये जो अन्याय यहाँ हो रहा है, इसका जवाब जो है ना, बीमार में आजाद समाज पार्टी संघर्ष से लेगी सरकार से। वहीं इस मामले में लगाए गए आरोपों को लेकर SP DR तेनीवार ने कहा कि देवरान वाले मामले में उन्होंने जो बातें कही हैं, उनका ऐसा मानना हो सकता है, लेकिन इसमें नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर रावण जी, आज दमोह आगमन हुआ है और वो देवरान वाले प्रकरण के संबंध में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, तो ये वक्तव्य उनका है, ये वही बेहतर ढंग से बता पाएंगे। मेरा तो इसमें ये मानना है कि प्रशासनिक दृष्टि से और वो पुलिस की दृष्टि से हमारे द्वारा इस प्रकरण में संपूर्ण कार्रवाई नियमानुसार हुई है, विवेचना भी प्रॉपर हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी भी टाइमली हुई है, वहाँ पर सुरक्षात्मक बल भी लगाया गया है और संपूर्ण कार्रवाई विधि अनुसार हुई है। अब वो
खाकी उतार करके खादी पहनना चाहिए क्या नहीं, ये उनका वक्तव्य है, ये वो बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला है। मेरा इतना ही कहना है कि हमने सारी कार्रवाई इस प्रकरण में नहीं मान सकती। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल, मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर, बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं, मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, एयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959, 8818815881।